सुशांत सिंह राजपूत चार बहनों के इकलौते भाई थे, तो इस बात की तो कोई कमी नहीं रही होगी कि उनको घर से प्यार ना मिला हो। सबका और बड़ों का आशीर्वाद तक और सबका प्यार उन पर लगातार बरकरार था। लेकिन दोस्तों, जब से वो मुंबई अकेले शिफ्ट हुए थे, तब से कहीं ना कहीं वो कुछ अकेलापन फील कर रहे थे। जहाँ पर अंकिता लोखंडे ने भी उनका साथ छोड़ दिया था एक समय पर, तो दोस्तों आप भी कल्पना करके देखिए कि जब आपके साथ कोई ना हो और आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हो, तो ऐसे में आपके कंधे पे कोई हाथ रखे, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ कुछ मीठी बातें कर ले, तो आपको उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता ही है। तो दोस्तों, यही वजह बनी सुशांत सिंह की लाइफ में शोभिक और रिया की प्रायोरिटी बनने की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं किस प्रकार से रिया के पिता सुशांत के लिए दवाई लाते थे, ये खबरों के मुताबिक कहा गया रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती सुशांत के लिए धीरे धीरे प्रायोरिटी बनने लगे, क्योंकि सुशांत के उन खाली लम्हों में वो एक तरीके से वरदान बन के आए और उनके साथ समय बिताने लगे। दोस्तों का कहना है कि सुशांत और रिया काफ़ी करीब दोस्त थे। सुशांत को रिया ने अपने परिवार से मिलवाया, उसके बाद शोभिक भी पार्टी में दोस्तों के साथ शामिल होने लगे। सुशांत के अपने दोस्त और जानकार धीरे धीरे समझने लगे कि रिया और शोभिक उनकी प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं। जब हम सभी एक साथ काम करते थे, सुशांत के दोस्तों ने बात कही, तो रिया और शोभिक सुशांत के साथ रहते थे। फिल्म छिछोरे के प्रमोशन के दौरान सुशांत रात में घर देर से आते थे, जब भी कहीं जाना होता था तो दोनों भाई बहनों के साथ रहते थे। दोस्त कहते हैं कि सुशांत को अपने पैसों की भी कभी चिंता नहीं हुई, हाँ अगर कुछ बड़ा अमाउंट निकाला जाता तो वे जरूर पूछ लेते, वरना उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब था ही नहीं। तो दोस्तों, यही वजह थी कि सुशांत सिंह की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिली शोभिक और रिया को। जहाँ पर सुशांत सिंह इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती की लगातार फिल्में फ्लॉप होती गई, बावजूद इसके सहारा बने रहे सुशांत सिंह राजपूत। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से केस की कहानी ही बदल गई। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।